रहा हूँ। जयपुर से सीधा भानगढ़ के लिए निकल चुका हूँ और भूख लगी थी तो यहाँ पे आ गया हूँ परौंठे खाने के लिए। तो ये भैया परौंठे बनाते हैं, कैसे दिए भैया परौंठे? 20 के 2 साथ में क्या है? सब्जी सलाद अचार। हाँ तो देखो सब्जी सलाद अचार मिलेगा, 20 रुपये के 2 परौंठे हैं। तो भाई तकरीबन 10-15 दिन पहले खाया था परौंठा, आज खाते हैं, पेट भरते हैं फिर आगे। तो जी आ चुके हैं आलू और न्यूट्री, प्याज अचार, ये मिर्ची के अचार और 2 परांठे, ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया यार, इतना सस्ता खाना कहीं नहीं मिलेगा यार। काफ़ी दूर देर से भानगढ़ के लिए, तकरीबन 40-45 किलोमीटर है यहाँ से, और ये पहाड़ के ऊपर मंदिर बनाया हुआ है, देखो कैसे बनाया होगा यार, वाह। तो सुनसान रोड है, ये भाई रुकवा रहा है, बोलो भाई। भैया आप कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ जम्मू से। जम्मू से? हाँ जी। आप क्या करते हो, स्टडी करते हो? कहाँ पे? ये पीछे जो मंदिर है किस चीज़ का मंदिर है? नाथ माता टेंपल। किसका? नाथ माता टेंपल। अच्छा तो यहाँ से भानगढ़ कितना दूर है? यहाँ से भानगढ़ 45-50 60 के लगभग। आप गए हो? हाँ आप गए हो? मैं तो एक ही बार गया हूँ। अच्छी जगह है? बढ़िया है जगह। भूत भूत है वहाँ पर? अरे ऐसा तो कुछ नहीं है, भूत कुछ नहीं है, लोग तो बोलते बहुत भूतिया इलाका है वो। अभी मैं तो क्या है जयपुर से आ रहा था। अच्छा तो मैंने आपको देखा है, आपका व्लॉग चैनल है। अच्छा वो भी देख लिया? नहीं देखा तो नहीं। देखना फिर यार, मतलब कब देखेगा? देख लेंगे। अच्छा अच्छा तो जयपुर से देखा तूने मुझे? नहीं रास्ते में देखा अभी। ठीक है फिर भाई, मिल के अच्छा लगा, चलते हैं। ठीक है बाय बाय। पहुंच चुका हूं थोड़े आधे रास्ते में और यहां से भानगढ़ होगा तकरीबन 40-45 किलोमीटर होगा शायद, और यहां पे चाय पीने के लिए आए हैं। तो ये भैया मिल गए थे रास्ते में। भैया क्या नाम है तुम्हारा? हेमराज। और वो दूसरे? अखिलेश। अखिलेश। तो भाई ये दो लोग मिल गए हैं तो चाय वाय पीने पिलाने के लिए उन्होंने ऑफ़र किया, तो बैठते हैं चाय वाय पीते हैं फिर निकलते हैं आगे से। तो ये जी ऐसा कुछ इन्होंने बनाया, मिर्ची के पकौड़े, कचौरी, और चाचा लोग सब बैठे हुए हैं दुकान में। तो ये रास्ता जा रहा है भानगढ़, और ये कहाँ जा रहा है? अलवर जा रहा है। ठीक है तो ये अलवर डिस्ट्रिक्ट के लिए जा रहा है और ये भानगढ़ के लिए, तो चलते हैं। बाकी मौसम तो अभी धूप बहुत तेज है और नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, नारियल की क्या है देखो। तो जी यहाँ थोड़ा देर रेस्ट करते हैं। तो ये कुछ भाई लोग मिल गए मुझे। हाँ भाई लोग बताओ क्या नाम है तुम्हारा? बस बढ़िया हूँ, मैं आ रहा हूँ जम्मू कश्मीर से। तुम्हें मिला ले भाई, कितने दूर दूर खड़े हैं? भानगढ़ कितना दूर है यहाँ? 30 किलोमीटर और है यहाँ से, चले जाऊँगा। अच्छा आप लोग क्या करते हैं यार? एक तो मेरा साइकिल है। और बताओ देव भानगढ़ गया तुम? कैसी जगह है? भूतिया जगह है, सच बताना। नहीं लगता नहीं, लेकिन बोलते हैं एशिया मोस्ट भूत ही भूत वाला जगह है। रात तो है, रात तो नहीं गए तुम? नहीं। लोग भी आ जाओ पास में, तुम दूर दूर खड़े हैं। क्या करते हो, कौन सी स्टडी करते हैं? तो ये जो हाईवे जा रहा है कहाँ जा रहा है? ये आगरा जा रहा है। यहाँ से दोसा से आ रहा है। तो दोसा से ग्वालियर भी तो जाएगा? हाँ। MP है ना? ठीक है ठीक है, बढ़िया यार, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा यार भाई लोग। तो जी ये रास्ता है जंगलों वाला भानगढ़ जाने के लिए, इस साइड आ। तो ये देखो गांव के लड़के कुछ दोनों आ गए हैं मेरे पास। हाय। हाय, आपका चैनल का क्या नाम है? मेरा चैनल का नाम है शानू ब्लॉग। शानू ब्लॉग। कहाँ से आए हो आप? मैं बहुत दूर से आया हूँ, जम्मू से आया हूँ। जम्मू कश्मीर से? हाँ सुना है जम्मू कश्मीर। हाँ। तो यहाँ से भानगढ़ कितना दूर है? यहाँ से 15 किलो। 15 किलोमीटर। तुम गए हो वहाँ पे? भूत आते हैं? वहाँ पे भूत है? झूठ बोल रहा है यार। नहीं मत रहा यार, सच में रहता है। नहीं सच में रहता है, पर ऐसे अभी बंद हो जाएगा, अभी बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो वहाँ पे टेंट लगा के रहने देते हैं? नहीं क्यों, मैं तो रहने देंगे। हाँ बाहर बाहर, अंदर नहीं बाहर। ये देखो पानी भरने के लिए जा रहे हैं गांव के लोग।
अच्छा तो बाहर बाहर तो बगल है, बाहर लगा सकते हैं। हाँ शानू ब्लॉग फोन नहीं है तुम्हारे पास? घर पे अभी गहलोत बांट रहे हैं ना सीएम साहब। अच्छा बोल रहे हैं क्या राशन? राशन फोन। तो चलो तुम लोग भी मेरे साथ बांध कर चलना है, टेंट में सोएंगे तीनों जने टेंट लगा के। तेरी कितने की है? मेरी 5,000 की। जम्मू से और कहाँ से? खरीदेगा मेरी साइकिल? बदली करेगा? हाँ यार तेरी नहीं है, अच्छी है, मेरी पुरानी है। अच्छी पुरानी। ठीक है बाय बाय। बाय बाय। तो जी ये भाई लोग पिछले 2 किलोमीटर से मेरे पीछे चल रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम भैया आपको आगे तक छोड़ के आएंगे, लेकिन 15 किलोमीटर है, ज़्यादा आगे तक नहीं, 1-2 किलोमीटर और चलो बस। स्कूल में कौन कौन सी क्लास में पढ़ते तुम लोग? हम 9th में। दोनों दोनों 9th में? एक मिनट तो तू इतना लंबा वो इतना छोटा है तो तू फेल हो गया था क्या? नहीं। तो फिर कैसे 9th में बोली? जल्दी आ जल्दी, कार ने डिस्टर्ब कर दिया उन लोगों को बेचारे, वो पीछे रह गए। जल्दी आ जा जल्दी। आ गया आ गया। देख पीछे रह पीछे रह पीछे रह, फ्रेम में नहीं आएगा फिर तू। ये हाँ तुम्हारी भी डलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो छोटा वाला भाई है ना, ये बताऊँ क्या बोल रहा है मुझे? ये बोल रहा है कि भैया मुझे भी आपकी तरह बनना है। मेरी तरह बनेगा? बढ़िया बढ़िया, थोड़ा बड़ा हो जा उसके बाद पढ़ाई पूरी कर पूरी, फिर उसके बाद साइकिल लेके अपने राजस्थान में आसपास घूमना, ठीक है? फिर उसके बाद कहीं आगे पीछे बाहर जाना अगर जाएगा तो, ठीक है? उससे पहले नहीं। तो देख लो क्या नाम बताया था तूने अपना? मनोज रावत। ठीक है जी, ऐसा कुछ सीन है जी, मज़ा आ रहा है बच्चों के साथ घूमने फिरने का। पिछले 3-4 किलोमीटर से चल रहे हैं मेरे साथ में, तो ठीक है ठीक है, जाओ बस अब ज़्यादा दूर मत जाओ, घर वाले तुमको फिर बोलेंगे कहाँ चले गए। ठीक है बाय 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 बाय। देखा बच्चे लोग, ये बच्चे लोग भी आ गए। बाय बाय बच्चे लोग, बाय बाय। लो जी मैं आ गया भूतों के गढ़ भानगढ़, 6 किलोमीटर। तो आ गया जी मैं भानगढ़, ये भानगढ़ का छोटा सा बाजार, ये है जी भानगढ़ का छोटा सा बाजार। और चलते हैं देखते हैं कहाँ है, टाइम हो चुका है। तो जी ये आ गया भानगढ़ से किले से 0.5 किलोमीटर पहले, और ये देखो हर जगह होटल वोटल सारा कुछ बनाया है। तो बताओ ये बिजनेस ही है और क्या है, जब होटल में रह सकते हैं तो वहाँ ही रह सकते हैं। वाटर पार्क, स्विमिंग पूल, ऐसे ही यार ड्रामा है। देखो होटल यहाँ बनाया हुआ तो वहाँ भानगढ़ में रहने नहीं देते बोलते हैं, कमाल है यार। तो यहाँ से भानगढ़ है सिर्फ अब 400 मीटर, 300-400 मीटर यहाँ से है। चलो गांव के बच्चों से कुछ पूछते हैं यार, ये लोग ना जा रहे हैं, इनसे पूछते हैं कुछ। तो भाई लोग कहाँ से हो तुम लोग? यहीं से हो? हाँ। तो अभी क्या करते हो? बस यहीं घूमने आ जाते भानगढ़। अच्छा हाँ। तो अभी बोलते 5 बजे के बाद बंद हो जाता है? हाँ, बंद हो जाता है। तो अभी अलाउड नहीं होगा जाना अंदर? नहीं होगा, बंद हो जाता है मेन गेट। ठीक है ठीक है। तो कहाँ घर कहाँ है तुम्हारा अभी? घर यहीं है पास में। अच्छा इधर पास में ही है। बताओ कुछ अपने बारे में बताओ यार। हम भी रोज आते हैं घूमने ऐसे ही। अच्छा टहलने जाते हैं? टहलने जाते हो? ब्लॉग श्लॉग भी करते हो क्या? आजकल लड़के लोग बहुत कर रहे हैं ब्लॉग। ब्लॉग भी करते हैं पर कभी कभी वीडियो बनाते हैं तो। अच्छा क्या चैनल क्या है तुम्हारा? SN म्यूजिक गोलकवास। SN म्यूजिक गोलकवास। गोलकवास उसमें क्या डालते हो? ऐसे मारवाड़ी राजस्थान कॉमेडी डालते हैं। अच्छा कॉमेडी वगैरह डालते हो? चलो देखूंगा मैं तुम्हारा चैनल, तुम्हारा चैनल का लिंक दे दूंगा इसमें, ठीक है? तो यहाँ पे भानगढ़ जो बोलते हैं भूतिया भूतिया, क्या तुम्हारा क्या कहना है? हाँ सर ये है कुछ अफवाह पर है, नहीं ये सब कहने की बातें होते हैं। पक्का बोल रहा है? रियल में ऐसा होने होता नहीं है, लेकिन हमारे साथ तो कभी हुआ ही नहीं। अभी तक हम इतना घूमते हैं लेकिन हमारे साथ कभी हुआ नहीं। तो दिन में घूमते होंगे ना, रात को थोड़ी घूमते हो तुम लोग? रात में कुछ नहीं होता, खूब जाते हैं लोग। गवर्नमेंट से परमिशन लेकर आते हैं ना, रोज आते हैं, खूब वीडियो बनाते हैं अंदर। अच्छा गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं, कुछ नहीं होता। तो फिर इतना
किसी को तो दिखा होगा भूत छूत, कुछ तो हुआ होगा यहाँ पे जो इतना वीडियो में से एडिट वेडिट करके डाल देते हैं, एडिट करके बता देते हैं। हाँ, रियल नहीं होता कभी। अच्छा, होता होगा लेकिन हम तो इतना घूमे कि कभी हमको तो मिला ही नहीं, मतलब नजर ही नहीं आया अभी तक। अच्छा, कहते हैं ना उस कुंड में, अभी मैं ना के आया हूँ लगभग एक महीने पहले, कुंड में ना के आया हूँ, कुछ नहीं हुआ मेरे तो। चलो चलते हैं देख के आते हैं क्या सीन है। ये कुछ है दुकाने वुकाने यहाँ पे जब लोग आते हैं तो। ये जी पहुँच गया मैं भानगढ़ का, ये मेन एंट्री गेट है, अभी हो चुका है बंद, तो देखते हैं तो क्या सीन है क्या नहीं है। बाकी जगह तो काफ़ी बाहर से ही देख के पूरा जंगल जंगल है, डरावना सा है। बाकी रुकने देगा कि नहीं देगा पूछूंगा उसको, यार मुझे यहाँ रुकने दे, अगर देता है तो रुक लेंगे, क्या है कहीं नहीं। बंद हो गए अभी, बंद हो गए। तो ये है जी देखो टाइम बंद, कितने बजे बंद होता है? 6 बजे तो हो गया है जी बंद, 6 बजे ये, अब सवेरे ही आएंगे जाने के लिए। और ये कुछ लिखा हुआ है डिस्ट्रैक्शन, भानगढ़ के लिए पॉलीथिन का सामान ये वो यूज नहीं करना है, तो ऐसा कुछ है। तो क्या हो गया भाई, कुंडी क्यों मार दिया? बंद कर लो पहले चीज तो जी, हो गया है अभी बंद, और इसके 300 मीटर तक लगाना अलाउड नहीं है बोल रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है कैसा होता है, ढूंढते हैं कहीं जगह तो फिर वहाँ पर रुकने का करते हैं प्रबंध, कैंपिंग वैम्पिंग करते हैं, नहीं तो यहीं पर कर लेता यार, करने ही नहीं दे रहा यार। तो जी तकरीबन आधा किलोमीटर नीचे आ चुका हूँ मैं भानगढ़ से, और ये रेस्टोरेंट है राधा रानी फास्ट फूड का रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे एक भैया थे जो वहाँ पे पार्किंग की टिकट काटते थे, तो उन्होंने कहा यार चल तू, मैं तेरे को वहाँ पे रुकने के लिए जगह दे देता हूँ। तो मैंने कैंपिंग के लिए मांगा था, उन्होंने कहा कोई बात नहीं तेरे को रुकने के लिए जगह दे देता हूँ, तो कमरे में रुक जाना। तो ये अपना सामान है तो उधर अंदर रखेंगे, और तो उसके बाद आज रात को स्टे यहीं हो जाएगा, फिर तो सुबह अपना फटाफट कवर करके निकल जाएगा।